मेरी सभी सखियों को राधे राधे। आज बना रही थी मैं खीर, बल्कि ये कहना उचित होगा कि ये खीर नहीं बन रही, आज बन रही है रबड़ी खीर। इसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें 2 चम्मच पहले देसी घी डाल दिया था और उसके बाद डाला मैंने इसमें 1.5 लीटर दूध, बिल्कुल फुल क्रीम। ये भैंस का दूध है और इससे खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। 1.5 लीटर दूध के लिए मैंने 70 ग्राम खीर वाला चावल लिया था। अब जैसे ही मैंने दूध डाला, एक कटोरी में अलग से दूध निकाल लिया और उसमें मैंने 8-10 दाने केसर के भिगो के अलग रख दिए। अब लिए थे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू है, मखाने हैं, बादाम है, किशमिश है और हमारी चिरौंजी है, और नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया था। चिरौंजी और मखाने को मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, जिससे कि ये दूध में घुले नहीं और अच्छा सा टेस्ट दें। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम बहुत ही कम गैस पर हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि ये खीर में जाके घुलते नहीं है बिल्कुल भी। अब मैंने थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब इसमें किशमिश भी डाल दी थी। अब आ जाती है हमारे ड्राई फ्रूट डालने की बारी। काजू, बादाम, किशमिश को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और इसी में मैंने इलायची के दाने भी डाल लिए थे। अब हम इसे धीरे धीरे सब चीज़ों के साथ चलाना शुरू करेंगे। अब आ जाती है चावल डालने की बारी, और ये खीर वाला चावल है। ये खीर इतनी टेस्टी बनेगी कि इसके कहने ही क्या। इस खीर का टेस्ट ऐसा होता है कि कोई जज नहीं कर सकता कि हम रबड़ी खा रहे हैं या हम खीर खा रहे हैं। अब जो केसर का दूध मैंने भिगोया था, वो दूध भी मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसे धीरे धीरे स्लो मीडियम गैस पे चलाना स्टार्ट करते हैं और इसको तब तक हम चलाएंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। धीरे धीरे मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट डालती जा रही थी, और देखिए इसमें आपको एक तुलसी का पत्ता भी दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली मैंने ठाकुर जी को दूध रखा था, तो वो वाला दूध मैंने इस खीर में ही मिला दिया था, जिससे कि ये एकदम महाप्रसाद बन जाए तो और अच्छा टेस्ट आए। जिस भी सामान के साथ प्रसाद की बात जुड़ जाती है ना, तो उसका तो टेस्ट ही अलग हो जाता है। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इस खीर को बनने में 40 से 50 मिनट लगेंगे और आप इसे धीरे धीरे बनाइएगा। ज़्यादा जल्दबाजी से इसे बनाएंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसे मध्यम गैस पर धीरे धीरे चलाते हुए देखते हुए बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बनेगी। देखिए अब हमारी खीर ने धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट कर दिया है, और अब डाल दी थी मैंने इसमें 2 डेली मिश्री की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिश्री मैंने डायरेक्ट ही डाल दी, लेकिन मिश्री घुलने के बाद आसानी से इसका रेशा निकाला जा सकता है। मिश्री को तोड़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट ही डाल देती हूँ। और ये देखिए मैंने आसानी से इसके रेशे को निकाल लिया। सखियों, मैंने थोड़ी देर पहले इसमें 2 चम्मच मलाई भी डाली थी, जिससे कि इसका क्रीमी टेक्स्चर आए। और देखिए मैंने मिश्री के रेशे को बहुत ही आसानी से निकाल लिया था और बहुत ही इजीली ये निकल गए थे। इसी तरीके से हमारी खीर धीरे धीरे तैयार हो रही है। और सखियों एक और बात, मैंने स्टार्टिंग में इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला था, वो मैंने इसलिए डाला था ताकि दूध इससे चिपके नहीं। अब एंड में मैंने चुटकी भर लिया था जायफल, जो खीर के जायके को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे खीर का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हमें ये कैसे पता लगा कि हमारी खीर बनके तैयार हुई है या नहीं? जब हम इसे चमचे से चलाते हैं ना, तो दूध और चावल हमारा अलग नहीं होना चाहिए। जब ये गिरे तो ऐसे गिरे, चावल और दूध के साथ गिरे। इसका मतलब ये है कि हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप बनाइए खीर और खाइए, और मुझे बताइए कि आपकी खीर कैसी बनी। राधे राधे।